हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ इंग्लिश की जो पोयम है उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, देयर आर मेनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। तो हमें पोयम में काफ़ी सारे आइडियाज़ दिए गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से जो दुनिया है वो ख़त्म होगी। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? क्या आपको लगता है कि एक दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी? हैव यू एवर थॉट वट वुड हैपन इफ़ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बर्स्ट और ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर? तो आपको, मतलब आपकी समझ से आपको क्या लगता है कि क्या होगा कि सन अगर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाए, गर्म होकर के बर्स्ट हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा मतलब फट जाएगा, या फिर बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, तो मतलब क्या होगा अर्थ का? तो ये हमें इसका आंसर बताना है। तो येस, आई बिलीव दैट दिस वर्ल्ड विल एंड सम डे, दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी। वेदर द सन गेट्स हॉट और इट गेट्स कोल्डर, इन बोथ द सिचुएशंस एंड ऑफ दिस वर्ल्ड इज श्योर। तो या तो दुनिया बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी या दुनिया बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, दोनों में से किसी भी कंडीशन में जो है वर्ल्ड हमारा एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। जैसे आपने देखा होगा, आपने बायो में पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, अगर सन नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं होगा, और सारी की सारी लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो डिपेंड करती हैं सूरज की रोशनी पर ज़िंदा रहने के लिए। खाना नहीं बनेगा तो हम खाएंगे क्या, है ना? जब पेड़ पौधे खाना नहीं बना पाएंगे तो आप सोच रहे होंगे हम जानवरों को खा लेंगे, बट जानवर भी तो पेड़ पौधे खाते हैं ना। जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे दुनिया में तो दुनिया सर्वाइव कर ही नहीं पाएगी। तो ये वाला हो गया। नेक्स्ट है, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? हियर आर सम आइडियाज़। तो फ्रॉस्ट जो है, फायर और आइस किस, मतलब क्या स्टैंड करते हैं? फ्रॉस्ट है, हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो पोएट है ना, तो उनके लिए फायर और आइस का क्या मतलब है? तो इसमें से हिंट लेके आप आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, फायर स्टैंड फॉर, यहाँ पर से आप देख सकते हैं मैंने इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ग्रीड है ना, लस्ट और कॉन्फ्लिक्ट, और इनसेंसिटिविटी, इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो आप कह सकते हैं। तो इसमें मैंने तीन लिखी हुई है, फायर स्टैंड फॉर ग्रीड, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी। मतलब ग्रीड का मतलब होता है लालच। तो फायर कैसे बताया हुआ है कि जो हमारे अंदर का लालच है ना, वो हमारे अंदर की जो ग्रीड है वो फायर को से दर्शाते हैं, और आइस स्टैंड फॉर क्रुएलिटी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, कोल्डनेस एंड हेटरेट। तो मतलब जो एक इंसान के अंदर बुराइयां होती हैं, इंटॉलरेंस, दूसरे के प्रति दूसरे के व्यवहार को ना सह पाने की जो वो बात होती है, रिजिडिटी मतलब कि हमारे विचार ही सही हैं दूसरे के गलत हैं, कोल्डनेस दूसरों पे क्या बीते हैं उससे फ़र्क ना पड़ना, हेट्रेड हो गई नफरत। तो ये सारे की सारी चीज़ें आप पता, तीन चार इसमें वर्ड्स आप लर्न कर लीजिएगा, वो आपके आंसर लिखने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे कि फायर का मतलब है ग्रीड, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट और फ्यूरी, और क्रुएलिटी का क्या, आइस का क्या मतलब है, क्रुएलिटी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इस तरीके से आंसर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोयम? पोयम की राइम स्कीम क्या है, और हाउ डज इट हेल्प मी ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज़ इन द पोयम? तो राइम स्कीम बतानी है कि पोयम की क्या है, और कंट्रास्टिंग आइडियाज़, कंट्रास्टिंग आइडियाज़ होते हैं जो चीज़ एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, एकदम अलग होती हैं, उनको कहते हैं हम कंट्रास्ट। जैसे कि दिन और रात एक दूसरे के बिल्कुल अलग हैं, एक दूसरे के कंट्रास्ट हैं, तो वो कौन से आइडियाज़ हैं? तो देखिए, राइमिंग स्कीम तो बी आ रहा है, फिर सबसे पहले इसमें क्या है हमारी पोयम में, ए फिर बी फिर ए ए फिर बी सी बी सी बी, तो इस तरीके से राइमिंग जो है, पहले एक वर्ड आ रहा है फिर दूसरा वर्ड आ रहा है, फिर दूसरे सेम वर्ड जैसा आ रहे हैं दो एक साथ, फिर से बी रिपीट हो रहा है, फिर तीसरा वर्ड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली राइमिंग स्कीम इस पोएम में इस्तेमाल की गई है। कंट्रास्टिंग आइडिया, डिफरेंट आइडिया, फायर और आइस, फायर गर्म होती है, आइस ठंडी होती है, और फायर किसको डिनोट करती है, फायर हेट्रेड को, है ना, और आइस किसको, आइस मतलब कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है किसी से, रिजिडनेस को, ऐसी चीज़ों को हम लोगों ने पहले देखा था ना कि आइस किस किस को, क्रुएलिटी को, रिजिडनेस को, रिजिडिटी, रिजिडनेस, वो उसका एक ही चीज़ है। फायर स्टैंड करती है ग्रीड को, लालच को, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना, और राइटर ने मेंशन किया है दोनों, फायर और फायर और आइस को, राइटर मेंशंस दैट बोथ फायर एंड आइस आर प्रोबेबल एंड्स ऑफ द वर्ल्ड। प्रोबेबल एंड्स का मतलब है राइटर श्योर नहीं है, वो कहते हैं कि इन दोनों में से कोई भी कारण हो सकता है कि इस वजह से जो है दुनिया का अंत हो जाएगा, तो फायर या फिर आइस से। व्हाइल ही टॉक्स अबाउट हाउ फायर रिप्रेजेंट डिज़ायर एंड कैन देयरफॉर बी अ कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, तो डिज़ायर जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे अंदर की ग्रीड है, डिज़ायर यहाँ पे हमारी जो लालच है ना उसको दिखाया गया है कि जो लालच है वो कैसे दुनिया के एंड होने का कारण बन सकता है। ही ऑल्सो मैंशन आइस इन बिटवीन टू सिम्बलाइज द कोल्डनेस एंड इनडिफरेंस टूवर्ड वन अनदर विल ऑल्सो बी एनफ टू एंड द वर्ल्ड, और
जो कोल्डनेस है, हम लोगों को एक दूसरे के दुख दर्द से जो फ़र्क नहीं पड़ता है, वो भी कारण बन सकता है इस दुनिया के ख़त्म होने का. ही सेज दैट हेट इन द वर्ल्ड कैन बी कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन, सो आइज वुड बी सफिशियंट टू ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. तो हेट मतलब एक दूसरे से नफरत करना भी इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होगा. तो ये हमारे इसके क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं, और जो है इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है. पूरे पोएम का आप देख सकते हैं. थैंक यू.